देखिए लाड़ू क्या स्थिति क्या है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिला की जो चुनाव समिति है, हमने लगभग 15 जो हमारे उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो पूरे जिला में हमने कमल के चुनाव निशान पर उनको उतारने का फैसला लिया है। सभी कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में है। लाडवा की अगर बात करूँ, लाडवा में 6 वार्ड आते हैं। उन 6 वार्डों में हमारे 4 नंबर वार्ड से रीना देवी खड़ी है, 5 नंबर वार्ड से विकास शर्मा है, 6 से रविंद्र कौर है, 7 से देवेंद्र गोल्डी है, 8 से दीपा शर्मा है, 9 से गुलशन कुमार है। ऐसी जो है ना पूरे जिले के अंदर कार्यकर्ता खड़े कर रखे हैं और सब मजबूत स्थिति में, सब जो है ना नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की नीतियों को विश्वास करते हैं। जनता जनार्दन से अपील भी मैं करता हूँ, वो कमल के सामने वाला बटन दबा करके इनको कामयाब करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है और प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना ने चलाई, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे जन उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, आज दुनिया के अंदर हम आयुध सामग्री जो है ना हम बेचने का काम करते हैं। कोरोना जैसी भीषण वैश्विक जो बीमारी आई थी, सभी देश के नागरिकों को वैक्सीनेशन करने का काम फ्री किया है। 2-2 वैक्सीन बनाई भी हैं, बेची भी हैं, एक वैक्सीनेशन और भी बनाने का काम देश के हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। और जो भी ऐसा कोई दिव्यांग है नहीं आ सकता था PHC में, ऐसे हेल्थ सेंटर पर हमारे डॉक्टर्स की टीम ने, हमारी स्टाफ नर्सों की टीम ने घर जाकर के उसको वैक्सीनेट करने का काम किया है। तो हर प्रकार से मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के अंदर समान रूप से विकास कार्य करवाए। ऐसे बहुत से गांव में जहां कोई काम ही नहीं बचा, हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं भी चलो कोई कम्युनिटी सेंटर बन जाए यहां पर, या छोटा मोटा कोई काम रह गया है तो वो भी हम जो है ना पंचायती राज संस्थाओं में विजय हासिल करके हमारे जिला परिषद के जो वार्ड के सदस्य चुनेंगे, चेयरमैन हमारा बनेगा, तो वो भी जो काम अधूरे हैं थोड़े बहुत, उन कामों को भी पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। मनोहर लाल जी ने इन पिछले 7-8 सालों के अंदर जहाँ लगभग 1.25 लाख के करीब रोजगारों देने का काम किया अपने बेरोजगार साथियों को, और 1 लाख से भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने का काम किया है। आज हरियाणा के 24 घंटे बिजली हरियाणा के अंदर है, ये जो डूइंग बिजनेस में हरियाणा सबसे आगे है। तो मनोहर लाल जी ने हरियाणा के हरियाणा एक हरियाणवी एक इस नारे को साकार करते हुए पूरे प्रदेश के 90 विधानसभाओं में समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। स्वामी नाराज कितने किसानों की पंचायत चुनाव JJP पीछे हट गई, इन्होंने कैंडिडेट खड़े आपने नहीं, नाराजगी किस लिए? मैं कहता हूँ आज हमारे किसान साथियों को जैसे उनकी जीरी जो है उनकी तुल करके गई है, तो तुरंत उनके खाते के अंदर 72 घंटे से पहले उनकी जो है ना सारी जो है ना उसकी फसल की राशि आई है। हमारा किसान क्यों नाराज होगा? अभी एक परिवार के अंदर भी उसके मान ले मुखिया का खाता है, उसकी पत्नी का खाता है, उसके बेटे का खाता है, अभी 2-2 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये आए हैं, और एक साल के अंदर 18-18 हज़ार रुपये एक परिवार को मिलने का काम किसान सम्मान निधि के जो है ना अनुसार हो रहा है। तो 24 घंटे बिजली है, लोग भूल गए इन्वर्टर कहाँ है, बैटरा कहाँ है, नहीं तो कांग्रेस के राज में तो बैटरी के पंखे चालू हो गए थे, इसलिए किसान हमारा सब खुश है। विधायक लाडवा में कांग्रेस वो भी जोर लगा रहे थे, मुकाबला आपका और उनका कांग्रेस बीजेपी लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी नहीं, हरियाणा में किसी पार्टी से मुकाबला है ही नहीं है, कांग्रेस तो बिखरी पड़ी है। तो इसलिए हमारा तो हमारे कार्यकर्ता बड़े दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता से भी अपील करता हूँ, जनता का बड़ा स्नेह है, जनता ने पहले भी प्यार दिया है, तो जनता ही प्यार दे करके आशीर्वाद दे करके हमारे सभी जिला परिषद के वार्ड में से हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे।